हाई एवरी वन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवा। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा न्यू बैच चल रहा है कंटिन्यूअसली, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको दोबारा से सब कुछ डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं ताकि आपके जो वीडियोज़ की क्वालिटी है वो बेटर हो सके। लेकिन ऑलरेडी सब कुछ एक बार हमने फिर से पढ़ा रखा है, पहले से बहुत सारे वीडियोज़ प्रेजेंट है, पूरा सिलेबस हमारे पहले के वीडियोज़ यानी जो व्हाइट बोर्ड के वीडियोज़ है उसमें पूरा साइंस के जितने भी चैप्टर्स है उसके वीडियोज़, पूरे मैथ्स के वीडियोज़, SHT में हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स के वीडियो और साथ ही में इंग्लिश हिंदी मराठी के ग्रामर राइटिंग स्किल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही में आप लोग का एग्जाम अगर नजदीक आ रहा होगा तो उसको रिवाइज करने के लिए RCC यानी रिविजन क्रैश कोर्स के वीडियोज भी आपको देखने मिल जाएंगे। हम आपके साइंस सब्जेक्ट के एक्सरसाइज जो होते हैं उसके कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारे वीडियो आज भी प्रेजेंट है, आप बस वीडियो को जाके ढूंढो, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी ढूंढ सकते हो या तो डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे बहुत सारे जरूरतमंद लोगों तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्लीज शेयर करते रहना, बस इतना जरूर से करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक और बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं आज 8th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर होने वाला है डिजास्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है। देखो ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, दो या तीन डिजास्टर ही पढ़ना है। वैसे डिजास्टर कई सारे टाइप्स के होते हैं, कई सारे होते हैं, लेकिन इस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वी हैव टू स्टडी ओनली 3 डिजास्टर। तो आज पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, और इसके बाद एक और लेक्चर लाऊंगा लेक्चर नंबर 2, और उसमें ये दोनों लेक्चर मिला के चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपने बहुत सारे ऐसे डिजास्टर का नाम सुना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, बहुत ज्यादा बारिश हुई, पूरा पानी पानी हो गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, बर्फ गिर गया, एवलैंच आ गया, ठीक है, ये सब सुना है आपने। तो इन्हीं चीजों को बोला जाता है डिजास्टर। तो डिजास्टर का एक बेसिक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि डिजास्टर एक ऐसा इवेंट है, समझो इसको ध्यान से, ठीक है, इस चीज को समझो कि डिजास्टर क्या है। इट इज एन इवेंट दैट कॉसेस अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन। क्या बोल रहा है? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब तबाही, और सडन का मतलब होता है अचानक। अर्थक्वेक कभी बोल के आता है क्या, ए भाई अर्थक्वेक आने वाला है, तैयार हो जाओ सब लोग? तो भाई ये नहीं आता, अचानक आएगा। हाँ वो अलग बात है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को ढूंढ ली है जिससे हमें आने वाले खतरे का आभास थोड़ा पहले हो सकता है। देर आर सम डिपार्टमेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सैटेलाइट्स के थ्रू ऑब्जर्व करता है कि कहीं पे हलचल कुछ हो रही है क्या, उससे थोड़ा आइडिया लग सकता है। लेकिन अगेन कि ये चीज़ 100% एक्यूरेट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आज भूकंप अगर कहीं आना होगा, अचानक से आ जाएगा, और ऐसा आएगा कि इतना तबाही मचाएगा, अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन करेगा, तबाही मचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सुनामी हो गया, कोई भी ऐसा चीज बोल के नहीं आता। तो दैट इज नथिंग बट वॉट, कि अगर ऐसा होता है जिसके वजह से नॉर्मली फंक्शनिंग जो होता है आपका, हमारा जो डे टू डे लाइफ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाता है और कम्युनिटी में प्रॉब्लम आ जाता है, लोग मरते हैं, इंसानियत मरती है, जानवर मरते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस इवेंट को डिजास्टर कहा जाता है। समझा डिजास्टर क्या होता है? आप कौन कौन से टाइप के डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, फायर है, अब फायर भी बहुत सारे है, जंगल में आग लगना नॉर्मल आग लगा ये भी डिजास्टर ही होता है, लैंडस्लाइड यानी जो पहाड़ की जो जमीन होती है वो खसक जाती है, आपने देखा है रोड्स जो पहाड़ों पर होते हैं उसके ऊपर मलबा आ जाता है पूरा, अभी कितना सारा लैंडस्लाइड हुआ, केरला में लैंडस्लाइड हुआ, बारिश में फ्लड आया, क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फट के गिर जाता है, उत्तराखंड में हो चुका है, केदारनाथ याद है कि नहीं, ठीक है, फ्लड आना, एवलांच आना, एवलांच मतलब बर्फ की जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो भी गिर जाते हैं, दैट इज एवलांच होना, सुनामी आना, तो ऐसे कई सारे डिजास्टर अगर मैं लिखने जाऊं तो ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको ये कम पड़ जाएगा, इतने सारे टाइप के डिजास्टर होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 डिजास्टर पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? एक हमें पढ़ना है अर्थक्वेक, एक पढ़ना है फायर, और तीसरा पढ़ना है लैंडस्लाइड। ये 3 ही डिजास्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक पढ़ने वाले हैं, कि अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके कॉसेस क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है, और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये सब चीज हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब ये चैप्टर का नाम अगर आप देखोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों रखा है? डिजास्टर का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीजों को ऑर्गेनाइज की जाती है और कोऑर्डिनेट की जाती है रिसोर्सेस के लिए। जैसे मान लो कि भूकंप आ गया, लेकिन भूकंप
आ रहा है वो तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन भूकंप आने के पहले कुछ चीजें प्रिकॉशन के तौर पे हम ले सकते हैं। जैसे मुझे पता चल गया कि अभी 5 मिनट में भूकंप आने वाले, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसे सेफ जगह पे फटाफट से चले जाऊंगा जहां पे मेरे को ज्यादा खतरा ना हो। क्योंकि अगर देखो ये मेरा छत है, बिल्डिंग है, भूकंप आएगा तो ये बिल्डिंग गिर सकता है, तो छत मेरे ऊपर गिर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को एक टेबल, जो मजबूत टेबल होगा, फर्नीचर होगा, उसके नीचे डाल दूंगा, ताकि अगर वो छत गिरे भी तो वो टेबल शायद मुझे बचा ले, शायद बचा ले। अगेन मैं बोल रहा हूँ शायद, ये शायद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो कमजोर उतना मजबूत ना हो जितना की बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये चीजें मैं अपने आपको कर सकता हूं। तो प्रिवेंशन करना यानी चीजों को प्रिवेंट करना, ऑर्गेनाइज करना अपने आप को, यानी भूकंप आ गया तो चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे मान लो बहुत सारे लोग मलबे में दब गए, बिल्डिंग के नीचे दब गए, तो उसको निकालना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेशन करना, लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करना, जरूरत पड़े तो CPR जो ऑक्सीजन देना होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करना, ठीक है ना, खाना पाना पीना पहुंचाना। फ्लड आती है, बाढ़ वगैरह आती है, लोग डूब जाते हैं गांव वगैरह में, तो क्या करता है, हमारी टीम्स होती है पूरे इंडिया लेवल पे, NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, NDRF की टीम होती है, स्टेट में भी, महाराष्ट्र स्टेट में या फिर कोई भी स्टेट में स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स SDRF की टीम होती है। वो लोग क्या करते हैं, देखा है आर्मी वाले वो सब होते हैं, ठीक है, वो सब टीम होती है, वो सब जरूरतमंद को खाना पहुंचाते हैं, मेडिकल्स पहुंचाते हैं, बहुत सारी चीजें वो करते हैं। तो ये जो भी चीजें हो रही है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है चीजों को। तो अगर कोई डिजास्टर को मैनेज कर रहा है बाय ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, बाय कोऑर्डिनेटिंग समथिंग, बाय प्रिवेंटिंग समथिंग, तो उस पर्टिकुलर चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा? तो व्हाट डू वी मीन बाय डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे आज के पहला जो टाइप का डिजास्टर है, वो है अर्थक्वेक। तो ये अर्थक्वेक होता क्या है, देखो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। देखो भूकंप का बहुत बेसिक मीनिंग है, आप सभी लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि जब जमीन हिलती है, शेक करती है, कांपती है, कपकपाती है, जमीन और जमीन के ऊपर का जो सरफेस है वो कपकपाती है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये होता कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। देखो ध्यान से, जैसे आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, मेरे लिए अर्थ है। अब आपको पता होगा कि अर्थ जो है ना, ये जो है ना, इसके ऊपर हम रहते हैं, अंदर नहीं रहते, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक इंसान हूं, तो इस अर्थ के ऊपर रहता हूं मैं, ठीक है, ऐसा। ये अर्थ के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये रेलवे ट्रैक जो होगी वो ऐसे गई होगी, ठीक है ना, बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, ठीक है, भले ये उल्टी दिख रही है लेकिन हमारे लिए सब सीधा ही होता है, ठीक है ना। वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं अर्थ फ्लैट है, फ्लैट नहीं, गोली है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि हमें दूर दूर तक वो फ्लैट ही दिखाई देता है, ठीक है, कहीं पर भी देख लो वो फ्लैट ही दिखेगा। लेकिन हम जब स्पेस में चले जाएंगे, अर्थ से लगभग हजारों लाखों किलोमीटर दूर चले जाएंगे, तो हमें वो गोल दिखाई देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रहते हैं, इस सरफेस पे रहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये अर्थ जो है, ये जमीन है हमारे लिए, ये क्या है, ये तो हमारे लिए जमीन है, लेकिन इस जमीन के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्या है बच्चे, लेयर है। इसके अंदर क्या है, ऐसे लेयर है। जब आप खोदते जाओगे जमीन को, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लेयर जो है वो दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, ऐसे लेयर जो है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे लेयर्स है। तो जैसे जैसे आप जमीन के अंदर घुसोगे तो बहुत सारे लेयर है, तो आपको पता ही होगा उसके अंदर सबसे अंदर क्या होता है, मेंटल एंड कोर, ठीक है, मेंटल एंड कोर। ये आपने ज्योग्राफी में शायद पढ़ा होगा। तो मेंटल एंड कोर क्या है, मतलब जितना जितना आप अंदर चले जाओगे उतना ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी और लावा वगैरह हो जाएगी, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भूकंप आता कैसे। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारा अर्थ सर्फेस है, तो अगर मैं अर्थ सर्फेस को ले लूँ यहाँ पे, तो अर्थ सर्फेस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं, जिसको बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट्स मतलब खाना खाने वाला प्लेट्स नहीं, प्लेट्स मतलब जमीन का ही लेयर है, उसको प्लेट्स के नाम पे जाना जाता है। और वो प्लेट्स क्या है, वो प्लेट्स हिल सकते हैं, तो प्लेट्स ऐसा नहीं कि पूरा फिक्स है, तो प्लेट्स कभी भी हिल सकते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो कि कुछ कभी अर्थ तो रोटेट हो ही रहा है, ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारा अर्थ कंटिन्यूअसली खुद से ही रोटेशन कर रहा है और वो रिवॉल्व भी कर रहा है, करेक्ट है, सन के अकॉर्डिंग। तो जब भी ये प्लेट्स में कभी भी सडन डिस्टर्बेंस आया, मतलब कभी प्लेट थोड़ा सा एडजस्ट किया अपने आप को, और वो इतना स्लो होता है कि पता ही नहीं चलेगा, मतलब इतना वो, मतलब धीरे से होता है और इतना बड़ा है कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक सडन अगर वो प्लेट्स के मतलब मान लो प्लेट थोड़ा सा हिल जाएगा, तो प्लेट्स के ऊपर पूरा का पूरा क्या है, अर्थ का लेयर है, ये पूरा अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी है। तो जब उसके नीचे के टेक्टोनिक प्लेट्स कपाएंगे यानी हिलेंगे, तो ये पूरा लेयर भी हिलेगा और उसके ऊपर जो भी चीज खड़ी है, बिल्डिंग है, रेलवे ट्रैक्स है, फिर कोई भी चीज है, वो भी हिल जाएगी। और जब हिल जाएगी तो ऑब्वियसली इतना कोई मजबूत नहीं होता कि भाई उसके अपने आप को बचा ले। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है, लेकिन ये बिल्डिंग गिर सकती है, ऐसा होता है ये सब चीज़ें।
तो उसी को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। तो ये क्या है, दिस कॉसेस सिस्मिक वेव्स लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ सर्फेस लाइक ट्रेमर्स। मतलब जब ये अर्थ में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलता है तो क्या क्रिएट होता है, वाइब्रेशन, सडन वाइब्रेशन क्रिएट होता है, कांप जाती है पृथ्वी हमारी, पूरी पृथ्वी नहीं एक जगह पे। कभी आपने सुना है जापान में भूकंप आया तो इंडिया में फील होता है क्या, नहीं, क्योंकि हर जगह पे टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, हर जगह की लेयरिंग अलग अलग है पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक जगह पृथ्वी के ऊपर आया तो दूसरी जगह पे फील होगा, बहुत देर, अभी कभी कभी तो ऐसा होता है महाराष्ट्र में ही, अगर आप सोलापुर में और कोल्हापुर में, तो सोलापुर में भूकंप आया तो कोल्हापुर में पता नहीं चलेगा, क्यों, भले वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह का टेक्टोनिक प्लेट्स अलग है और अलग अलग जगह पे होता है। तो वाइब्रेशन जहां पे भी फील हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। कौन से वेव्स, सिस्मिक, शॉक वेव्स बोलते हैं, शॉकिंग वेव्स, ऐसे वेव्स क्रिएट होते हैं, सिस्मिक वेव्स कहा जाता है जो अर्थ सरफेस पे जाता है, जिसको ट्रेमर्स कहा जाता है, मतलब झटका, ट्रेमर्स क्रिएट हो गया तो उस तरीके से क्रिएट होता है। और जहां पे भी भूकंप आता है तो उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उस सेंट्रल पॉइंट को अगर हम बात करें तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक एक ऐसा पॉइंट होता है जो एपिसेंटर होता है अर्थ सरफेस का। मतलब जैसे मान लो कि यहां पे भूकंप आया, इस जगह पे भूकंप आया, तो यहां पे एक्चुअल में जो भूकंप आ रहा है उसको मैं क्या कहूंगा, एपिसेंटर कहूंगा, उसके ऊपर का जो जगह रहेगा उसको एपिसेंटर कह रहा हूंगा, और शॉक वेव्स ऐसा क्रिएट होगा सर्कल के फॉर्म में। तो जहां पे भी भूकंप एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो उसके ऊपर का जो भी पॉइंट है उसको मैं बोलूंगा एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या आया, भूकंप आया, तो उसका मेन केंद्रीय बिंदु एपिसेंटर कहां है, इस जगह पे, और यहां से वो शॉक वेव्स क्रिएट होगा, और हो सकता है विद इन 1 किलोमीटर, विद इन 2 किलोमीटर के रेंज में, रेडियस में वो भूकंप का झटका फील हो सकता है 10 किलोमीटर के आगे के लोगों को पता ही नहीं चला, तो 5 किलोमीटर के अंदर ही हो गया, आगे जो 10 किलोमीटर दूर रह रहा है उसको पता भी नहीं चला कि भूकंप आया, तो ऐसा भी फील होता है। ठीक है, और हर साल की अगर मैं बात करूं तो एवरी ईयर 12,400 के आसपास, अगर मैं बात करूं एवरी ईयर क्या बोल रहा है, 12,400 से लेकर 14,000 भूकंप हमारे पृथ्वी के ऊपर आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 365 दिन होते हैं, 365 दिन इसको आप डिवाइड कर दो तो लगभग आपको पता चलेगा कितना होता है, करके देखो। ठीक है, अगर हम एक 12,000 का भी एवरेज पकड़ के चले, ठीक है, और 300 दिन के हिसाब से पकड़ के चले, 0000 कैंसिल, ठीक है, 40 भूकंप कहीं ना कहीं, झटके पॉइंट ऑफ व्यू, छोटे मोटे झटके पॉइंट ऑफ व्यू, लगभग 40 के आसपास, या फिर उससे कम बोल लो 30-40 के आसपास भूकंप हर दिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे आ रहे होंगे। तो ये चीज होती है, और एक मशीन बनाई जाती है, अर्थक्वेक आया पता तो चला, सबको फील हुआ, लेकिन कितने पॉइंट में आया, जैसे मान लो कि हर एक चीज का एक मेजर करने का एक टेक्निक होता है, जैसे मैं बोलूंगा ना कि सुनामी आया, तो सुनामी कितने हाइट तक आया, लहर कितने हाइट तक था, तो उसका एक मेजरमेंट हो सकता है। उसी प्रकार अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए भी मशीन बनी गई है, तो वो जो मशीन होती है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे रिकॉर्ड किया जाता है कि अर्थक्वेक कितने ज्यादा इंटेंसिटी से आया, तो उस मशीन को सिस्मोग्राफ कहा जाता है या फिर सिस्मोमीटर कहा जाता है, और वो जो इंटेंसिटी होता है उसको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल में, एक स्केल होता है रिक्टर स्केल, जिससे पता चलता है कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। तो यूजुअल तौर पे अगर 4 से ऊपर 4, 5, 6 के ऊपर अगर भूकंप आता है तो वह थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। 8 और 9 के आसपास भूकंप आया, मतलब ये एक ऐसा भूकंप है जो पूरा तबाही मचा सकता है। तो यूजुअल तौर पे जापान में अक्सर आप देखोगे तो 7, 8 और 9 के आसपास भूकंप आते रहते हैं, 7.1, 7.2 रिक्टर स्केल, 8.1, 9.1 रिक्टर स्केल के हिसाब से भूकंप आते रहते हैं। और जब भी जापान में, सबसे ज्यादा जापान का जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना वो हिला हुआ है, तो वो इतना हिलता है कि भूकंप आए दिन आते रहते हैं, और जब भी भूकंप 8-9 के आसपास रिक्टर स्केल में अगर आ जाते हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड अगर हाई होता है ना, इंटेंसिटी हाई होता है ना, तो उसमें सुनामी भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा समुंदर है आसपास, तो समुद्र के अंदर का भी जमीन का लेयर हिल जाएगा, कप कप आ जाएगा, तो समुद्र का पानी उछाल मारेगा तो क्या आएगा, सुनामी आएगा। तो बहुत बार हुआ है कि भूकंप आता है, भूकंप के बाद तुरंत वार्निंग आ जाती है कि जापान में सुनामी आएगा, और ये बहुत बार हुआ भी है। समझ में आया, क्लियर, भूकंप क्या है, कैसे है, क्यों है, समझ में आ गया। अब इसका कॉसेस क्या है, कॉसेस मतलब क्या होता है कि भाई इससे क्या परिणाम हो रहा है। तो मान लो जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि भूकंप जब भी आता है तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक और चीज होती है जो कि वोल्केनिक इरप्शन। मान लो कहीं एक ऐसा जगह है जहां पे भूकंप आया, तो भूकंप आया हो सकता है वहां का एरिया जो हो, वहां के अंदर लावा बहुत प्रेजेंट है, तो जब भी भूकंप आएगा तो प्लेट हिल जाएगी, अंदर की जमीन हिल जाएगी, तो वो जो लावा है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इस तरीके से ज्वालामुखी फटता है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, जैसे हवाई करके एक जगह है, और ऐसे कई सारे आउट ऑफ कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे जगह है जहां पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भूकंप आता है, तो भूकंप आने से ज्वालामुखी भी फटते हैं। अगला, स्ट्रेस ऑफ बिग डैम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, क्या होता है कभी कभी जब भूकंप आता है तो बड़े बड़े जो डैम होते हैं ना,
है, बड़े बड़े बहुत ज्यादा डायम होते, तो ये भी होता है। अब देखो ये क्या कॉसेस है ना, तो कॉसेस में हम लोग इसका उल्टा अगर मैं पकड़ू, मतलब नॉर्मल तौर पे पकड़ू, तो कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आता है, क्योंकि हमने पूछा है कि अर्थक्वेक आ क्यों रहा है, कॉसेस क्या है अर्थक्वेक का, यहां पे ये इस चीज को समझना है। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक आने की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन आने का चांस कम है, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन अगर होता है, जब लावा फटता है बहुत ज्यादा जोर से, लावा फटता है तो पूरी धरती को हिला देता है, मतलब उसके आसपास की जमीन को हिला देता है, और इस तरीके से अर्थक्वेक आता है। दूसरा तरीका यह है कि जब बड़े बड़े डैम्स बनते हैं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर एक प्रेशर आता है, अर्थ के जमीन के ऊपर एक स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से भी भूकंप आ सकता है। इसके अलावा माइनिंग, बड़े बड़े पहाड़ को माइनिंग किया जाता है, खोदा जाता है, भाई इतने बड़े पहाड़ को खोदोगे गिरेगा तो अर्थक्वेक भी आ सकता है, तो यह भी एक कारण है जिससे अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं कॉसेस ऑफ अर्थक्वेक, मतलब क्या कि अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, कैसे, किन रीजन के वजह से अर्थक्वेक आ रहा है, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, आपने देखा होगा एक मूवी परमाणु, परमाणु मूवी देखा है जॉन इब्राहिम वाली, उसमें एक जगह है राजस्थान पोखरण करके एक जगह है, उस पोखरण में जमीन के अंदर 1999 के आसपास, नहीं 6 के आसपास, पता नहीं एग्जैक्ट डेट मुझे याद है, 1999 था क्या पता, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा ईयर था। उसमें उस दौरान में हमारे इंडिया में राजस्थान के पोखरण एक जगह है जो कि पूरा रेगिस्तान एरिया है, वहां के जमीन के अंदर कुआं खोद के उसके अंदर एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जो सक्सेसफुल रहा, मूवी भी बनी इसके ऊपर, और उसी के कारण हम इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री बन पाए, मतलब हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब है, यानी कोई धमकी देगा तो हम भी धमकी दे सकते हैं, आंखें में आंखों डाल के बात कर सकते हैं, तो ये चीज हो पाया। वाटर परकुलेंट्स थ्रू द क्रैक ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर दरार होके अंदर पानी जाता है, जिससे क्या होता है, ट्रिमेंडस हीट की वजह से जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता था, और यही स्टीम क्या करता है, जब बाहर आने की कोशिश करता है तो अर्थक्वेक आने का संभावना होता है, यानी जमीन हिलाने का संभावना होता है। तो ये कुछ कारण है जिससे अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन जब अर्थक्वेक आ जाता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है वो हम देखेंगे, यानी इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, तो अगर हम बात करें पहला है दैट इज लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी देखो जब भी भूकंप आएगा तो बिल्डिंग के नीचे दबके, पेड़ के नीचे दबके, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे दबके, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, आप कार में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, भूकंप आ गया, तो कोई भी चीज इंसानियत को खत्म कर सकता है, पूरी नहीं, मतलब जहां पे भी आ रहा है वहां के इंसान को, यानी ह्यूमन बींग्स का लॉस हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स, नॉर्मल एनिमल, पेट्स वगैरह जो है मर सकते हैं, और प्लांट्स वगैरह भी मर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होता है, मान लो कि जब भूकंप आ रहा है तो सिर्फ इंसान वगैरह, जानवर वगैरह, प्लांट्स वगैरह नहीं मर रहे, इसके अलावा बिल्डिंग टूट रहा है, रेलवे ब्रिजेस टूट रहे हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे बिजली के खंभे, पाइपलाइन हो गया, घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, रेलवे ट्रैक्स हो गया, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, उस भूकंप से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फिर से बनाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इकोनॉमी यानी पैसे का लॉस हो रहा है। फिर इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी हो रहा है। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, रिवर्स के बहने की धाराएं भी चेंज हो जाती है, कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रीम चेंज हो जाता है। फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसके वजह से आग लग जाए, मान लो भूकंप आ गया, वायर वायर टूट गया, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के पोल गिर गए, वायर कट हो गया, तो वहां पे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वहां पे आग लगने के चांसेस खासकर सिटीज में ज्यादा होता है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक कभी भूकंप, यानी कभी भूकंप समुंदर में आ गया, ओशन में आ गया, जो अंदर होता है ना, समुंदर और ओशन के अंदर भी तो जमीन होती है ना नीचे लास्ट में गहराई में, वहां पे अर्थक्वेक आ गया, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इट में क्रिएट सुनामी, जो हमारे इंडिया में आया था, आपको पता है 2004, मुझे आज भी याद है, हम फोर्थ स्टैंडर्ड में थे, चेन्नई तमिलनाडु, आपको पता है तमिलनाडु में तो आया था, मतलब आया कहां था, इंडियन ओशन में आया था, हमारा इंडियन ओशन में एक अंदर, इंडियन ओशन के अंदर एक ज्वालामुखी फटा, जिससे अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक वजह से सुनामी डेवलप हुआ, और इतनी खतरनाक सुनामी थी कि ऑलमोस्ट श्रीलंका में और हमारा जो साउथ साइड है, चेन्नई तमिलनाडु ये सब साइड में बहुत भयंकर सुनामी आई थी, जिससे कई सारे लोगों की जान गई और बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, कुछ पार्ट दिखाया हुआ है, आपने दशावतार देखना जाके, ठीक है, दशावतार मूवी कमल हासन की, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस, पानी का जो लेवल होता है ऊपर नीचे वो हो जाता है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो अर्थक्वेक आने की वजह से चेंजेस में आ जाते हैं। क्लियर, समझ में आया, तो इसके अर्थक्वेक के क्या परिणाम है, कितने घातक परिणाम है, ये हमने देख लिए। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो अर्थक्वेक है इसका क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। अर्थक्वेक तो ठीक है, चलो मान लो आ गया या फिर आने वाला है,
या फिर कभी भी अर्थक्वेक अगर आपको फील हो रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मान लो कि अगर आप घर पे हो, इफ यू आर एट होम, तो क्या कर सकते हो। अगर आप जब भी घर पे हो तो आपको क्या करना है, अपने आप को कवर कर लेना है। जैसे मैंने बताया कि मान लो आपको पता चला है भूकंप आ रहा है, चीजें हिल रही है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, कोई बड़े भारी भरकम टेबल के अंदर जा सकते हो, कोई भारी भरकम फर्नीचर है उसके साइड में जाके छुप सकते हो, अपने आप को कवर करना है ताकि चीजें आपके सर के ऊपर ना टकराए और आप मर ना जाओ या फिर बहुत ज्यादा डैमेज ना हो जाए। आपका कोई रूम है उसके कॉर्नर में जाके खड़े हो जाना, ठीक है ना, वहां पे चुपचाप हाथ फोल्ड करके ऐसे चुपचाप बैठ जाना ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें मतलब डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो। इसके अलावा अगर आप बाहर हो या फिर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, या फिर घर से बाहर हो, तो सबसे पहले तो व्हीकल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अपनी व्हीकल को पार्क कर दो सेफर जगह पे, ओपन जगह पे, और चुपचाप अंदर ही बैठना, बाहर मत निकलना। क्योंकि देखो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते चलाते हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो और ज्यादा खतरा है, तो वो ना हो, चुपचाप गाड़ी रोक के साइड में चुपचाप आपको बैठ जाना है उस कार के अंदर, और जितना हो सके दूर रहना, कहां से, ट्री से, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से और इलेक्ट्रिक पोल से, ताकि वो आपके ऊपर ना गिर जाए। इसके अलावा आपको लिफ्ट यूज करना अवॉइड करना। जैसे मान लो भूकंप आ रहा है, आप रहते हो 5 माले की बिल्डिंग में, तो आप फटाफट गए लिफ्ट में, तो भाई सबसे पहले तो खतरा वही रहेगा कि लिफ्ट में अटक जाओगे तो खेल ही खत्म, वो चीज़ है, और लिफ्ट धड़ाम से गिरा तो वो तो जान जाना निश्चित है। लेकिन आप कोशिश करना कि आप जितने भी फ्लोर पर, तो फटाफट सीढ़ी का यूज करके आप नीचे उतरो, और पॉसिबल नहीं रहा नीचे उतरने का तो जहां पे भी हो अंडर द टेबल या फिर कहीं चुपचाप खड़े रहो, ठीक है। अवॉइड करना लिफ्ट यूज करना। डू सम फिजिकल मूवमेंट, जैसे मान लो कभी कभी बहुत देर से ऐसा बैठे हो तो आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, आपको ये भी हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहना, अगर देखना कि अगर वो चला गया, शेक करना बंद हो गया, हिलना बंद हो गया, तो चुपचाप आप मूव कर सकते हो, और स्विच ऑफ कर देना पॉसिबल हो सके जैसे भूकंप आपको फील हो रहा है। आप जितने भी लाइट है उसका मेन पावर स्विच जो होता है, स्विच का जो मेन सर्किट होता है, उसको ऑफ कर देना ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और घर में आग ना लगे, खासकर शहरों में। तो ये सब चीजें का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और अगर ये सब चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज अर्थक्वेक का भी आखिरी टॉपिक, दैट इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। अब इतने सारे अर्थक्वेक आए दिनों में आते रहते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, शहर में भी होता है, गांव साइड भी होता है, हर जगह होता है। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने इसके बारे में सोचा कि क्यों ना ऐसी बिल्डिंग बनाया जाए जो कि अर्थक्वेक आने के बाद भी गिरे ना, खड़े रहे बल्कि। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, इंजीनियर लोग ने काम किया, और जब देखा कि यार बिल्डिंग गिरने की वजह से कितने मासूम लोग की जान चली जाती है, नुकसान होता है, तो वो लोग ने ऐसा बिल्डिंग बनाने का सोचा। तो ये चीज पॉसिबल हुआ कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं, जैसे वाटर प्रूफ होता है, पानी से बचा सकता है, वैसे अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग है, कि अगर ऐसा बिल्डिंग बनाया जाए कि अर्थक्वेक आने के बाद भी वो हिले ना, बल्कि मतलब हिलेगा चलेगा लेकिन टूटे ना, टूट के गिरे ना, तो उस प्रकार से बनाया जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं ऐसे बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 के हिसाब से बनाना चाहिए, फिर इंडियन स्टैंडर्ड 1893 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब एक, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ नाम दिया है, कैसा है एग्जैक्टली वो नहीं दिया है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, उनका बिल्डिंग का डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है, और उसके अंदर जो पिलर्स होते हैं, फाउंडेशन जो बोलते हैं, इस प्रकार से मजबूत बनाया जाता है कि मान लो ये बिल्डिंग के ऊपर भूकंप अगर आ रहा है तो ये वाइब्रेट करेगा, ये बिल्डिंग हिलेगा जरूर, लेकिन ये बिल्डिंग टूट के बिखरेगा नहीं। तो ऐसे जितने भी मुंबई में बड़े बड़े बिल्डिंग, पचास माले, 70, 80, 100 माले के बिल्डिंग्स आपको बड़े बड़े ऊंचे देखने मिलते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होते हैं, क्योंकि अगर भूकंप आ गया तो वो बिल्डिंग इतने ऊंचे होते हैं कि गिरने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसमें मटेरियल और डिजाइन इस तरीके से बनाया जाता है कि अर्थक्वेक आने के बाद भी वो वाइब्रेट भले ही करें लेकिन वो टूट के गिरेंगे नहीं। उसमें बहुत ज्यादा डक्टिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड 13920, जो कि डक्टाइल डिटेलिंग देता है, मतलब डक्टिलिटी मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ऐसे मटेरियल उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो रॉड डाला जाता है आपको पता है, वो इतना मजबूत डाला जाता है कि वो टूटे ना, बल्कि वो वाइब्रेट करेगा, झूलेगा, चलेगा, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे ऐसी बिल्डिंग बन जाती है जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती है और भूकंप आने के बाद वो गिरेगी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हाई वाला भूकंप नहीं लेकिन नॉर्मल भूकंप आएगा तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। समझ में आ गया, क्लियर है? तो बस यही था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने आपको पूरा सिखा दिया कि क्या होता है डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, कौन कौन से टाइप के डिजास्टर होते हैं, और इसमें से पहला टॉपिक, पहला टाइप जो कि अर्थक्वेक, ये हमने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब और भी दो टॉपिक्स बचे हुए हैं डिजास्टर के, जो कि होगा एक फायर और दूसरा होगा लैंडस्लाइड। अब ये दोनों ही टॉपिक हम अगले लेक्चर में, यानी हमारे लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर, ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।